आज अपने बर्थडे के बाद कुछ डेढ़ महीने बाद आज आरव चीट डे कर रहा है, क्योंकि आज उसके पापा का बर्थडे है। तो आज उसके लिए आए हैं भटूरे छोले, चटनी और अचार, और मैं अपने लिए नहीं लाई, तो मैं तो खिचड़ी वगैरह ही खाऊंगी। मैं करूंगी रात को चीट डे। और ये बेटा ब्रूनो वो कह रहा है मेरा भी चीट डे करा दिया करो कभी तो। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, नहीं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यार पाना जी। गाइज आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो लेते हैं। आज मैंने मेरे फेवरेट बैंगल वाले इयररिंग्स निकाले, इनको बैंगल इयररिंग्स कहते हैं ना, ये बड़े बड़े होते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, और ये बहुत लाइट वेटेड हैं। इवन मेरे कान के जो होल है ना वो स्टिच कराने वाले हो रहे हैं, इतने मतलब हैंग हो गए हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा हैवी कान में पहन नहीं पाती, बट ये बहुत लाइट वेटेड है और लगते इतने अच्छे मुझे, बड़े कम्फर्टेबल। और जो मेरी नई वाली ड्रेस है ना, मतलब फ्लेयर वाली लॉन्ग है मेरे पास 3-4 ऐसी, तो आज मैंने वो पहनी है, ये देखिए। और ये मुझे बहुत पसंद है, बड़ी कंफर्टेबल है, गर्मी के हिसाब से पतला कपड़ा। तो इनका कुछ पता नहीं कभी भी आ जाएंगे, तो मैंने कहा एक ही बार तैयार श्यार होके अच्छे से बैठो, बर्थडे चाहे उनका है बट तैयार होने का शौक मुझे है, कि मुझे तो बस मौका मिलना चाहिए तैयार होने का। और अब इसके बाद करवा चौथ पे, नहीं नहीं रखड़ी पे, फिर उसके बाद करवा चौथ पे, तैयारियाँ तैयारियाँ। तो गाइज बच्चों के आने से पहले मैं पेट पूजा कर लूँ। आरव खाना खा के सो गया, और आरव का खाना आपने देखा है, आज उसने अपने बर्थडे के बाद चीट डे रखा है कि आज उसके पापा का बर्थडे है, तो केक आएगा, फ्राइड चिकन वगैरह आएगा बाहर से, तो खाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए उसने आज अपना चीट डे रखा है। इतना तो बनता है, महीने में एक दिन रखता ही, मैं ऐसे कहती हूँ 15 दिन में एक आधा दिन चीट डे ले लिया कर, जो क्रेविंग होती है ना अंदर से खाने की, रसगुल्ले, बटर चिकन, बाज़ार का खाने की, तो वो ख़त्म हो जाती है अगर आप 15 दिन में एक दिन कर लो, बट नहीं एक महीने में एक बार बस। चलो कोई नहीं, बच्चों के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है। और मैंने आज अपने लिए ना दलिया बनाया है ना पोहा बनाया, आज मैंने अपने लिए बनाई है खिचड़ी। टू गुड, कैन यू बिलीव, आज बहुत दिनों बाद। तो मैंने कहा रात को चटर पटर खाना है, और मेरे लिए जो आएगा वो बहुत लाइट आएगा, बिना तीखापन नहीं होगा ज़्यादा, तो मैं खिचड़ी खा लेती हूँ। और बच्चों ने आना है, 4:30 का टाइम है, तो फटाफट काम निपटाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, कॉपियाँ पता नहीं चेक हो पाएंगी आज या नहीं, नहीं हो गई तो पढ़ाते पढ़ाते कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए पहले खाते हैं खाना। गाइस ये है खिचड़ी और दही, आज बहुत दिनों बाद बनाई है, लाइट एंड हेल्दी, तो चलिए फटाफट खा के करते हैं कॉपियाँ चेक। गाइस हमारे बच्चा लोग आगे पढ़ने, ये देखो 4:30 सब पहुँच गए, और आज सब टाइम पे पहुँचे हैं, एक मिनट कोई नहीं। और बारिश हो रही है एक्चुअल में बाहर, मेरे ट्यूशन के टाइम पे 5 बजे देखो तो 5 बजे शुरू, 4:30 बुलाओ तो 4:30 शुरू। तो चलिए अभी बैठते हैं, पढ़ाते हैं और लगते हैं अपनी ड्यूटी पे। गाइस फाइनली मेरी बच्चा पार्टी पढ़ के गई, 6:30-7 बजे छुट्टी कर दी थी, और मेरे हस्बैंड भी आ गए, जैसे ही छुट्टी की मेरे हस्बैंड आ गए, तो बस अब वो गए थोड़ा सा बाजार से सामान लेने, फिर मैं जाऊंगी केक लेने और जो भी लाना है, जो मेरा मन करेगा स्प्रे ये वो वट एवर आई वॉन्ट, तो मैं जाके लेकर आऊँगी। तो बस वेट कर रही हूँ, तब तक मैं मसाला रेडी करती हूँ, क्योंकि चिकन आज वो कह रहे हैं कि मैं बनाऊँगा, अपनी मर्ज़ी से मैं का बना लो, तब तक मैं बाज़ार जाके घूमाऊँगी। और मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, बट मुझे ये मैं ये सोच रही, मैंने ये इतना लंबा घाघरा पहन लिया, इतना लॉन्ग देखो, इतना ऊपर करके भी इतना लंबा है, और बाहर बारिश हो रही है, तो ये घाघरा तो मेरा बहुत मैला हो जाएगा नीचे से पैरों में लटक लटक के, तो चेंज कर लूँ कपड़े और जीन्स में आ जाऊँ, बट मन नहीं मान रहा, चलो गंदा हो जाएगा तो मशीन में फिर धो लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए वेट करती हूँ मेरे हस्बैंड के आने का, और फिर मैं जाती हूँ बाजार। गाइस देखिए केक्स की वैरायटी जो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके पीछे वाला देना भैया, बहुत वैरायटी है, देखिए कुछ टूटा हुआ तो नहीं है ना इसमें, दिखाना है इसमें ये वाला केक। ठीक गाइस हम एक ही ले रहे हैं मार्बल पुडिंग, ये बहुत टेस्टी लग रही है देखने में, तो अच्छे से धावा बोलेंगे आज, मार्बल पुडिंग एक ले लेते हैं, एक ही ले लेना मार्बल पुडिंग। पापा ने लेने नहीं दिया, गाइस हम घर पहुंच गए, कि मैं पार्टी स्प्रे ले रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं पार्टी स्प्रे नहीं लेना, और मैं ना इसलिए इनको बोल रही थी कि तुम घर पे रुको मैं जाके ले आती हूँ, क्योंकि मैं जाती ना तो मैं पार्टी स्प्रे लेकर आती, बट कह रहे मैं इसीलिए आया हूँ कि तू ना ले, बताओ। चलो कोई बात नहीं, अब इनका बर्थडे तो मना नहीं कर सकते, बाकी किसी का बर्थडे होता तो मैं लड़के लेती, तो अभी हम लेकर आए, मैं आपको दिखाती हूँ क्या। गाइस क्योंकि आज आरफ का चीट डे है, तो उसके लिए आई है ये पुडिंग, ये पूरी वनीला फ्लेवर में लग रही है और बहुत टेस्टी लग रही है, तो जब ये अभी जिम से आएगा तो खाएगा, आज फुल डे चीट डे चल रहा है इसका। और ये हमने लिया है ढोकला, जो आपको दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा होगा, वो मैं खा के बताऊंगी, और केक आपको वहाँ दिखा दिया था, तो अभी इसको पहले फ्रिज में सेट करते हैं, और साथ में कोल्ड ड्रिंक छोल्डिंग तो चलती रहती है। गाइस ये जो मनोहर वाले से हम ढोकला लाए ना, इसका कुछ अलग ही फ्लेवर है, मतलब ऊपर सॉस है, ढोकले की लेयर के नीचे भी कोई चटनी सी लगी हुई है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, और इतना टेस्टी यमी और सॉफ्ट है ना,
जैसे बिल्कुल फ्रेश बना है। बात करते करते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये ढोकले की मैंने अभी एक ही बाइट खाई है। आप ये देख रहे हो ऊपर चटनी, और चटनी के बीच में ये ग्रीन फिलिंग आई डोंट नो किस चीज़ की है, बट ये जो भी है ना ये बहुत यमीलिशियस है, बहुत टेस्टी है। ये जितनी भी हरी मिर्चें मैंने नहीं खानी है, वैसे ये होती कम तीखी हैं बट नहीं खाती मैं। तो ये बाइट आप देख रहे हो, और गिर गया गिर गया। ये देखिए ये फिलिंग पता नहीं किस चीज़ की, बट ये बहुत टेस्टी है, जो भी है वॉट एवर बहुत यमी है। गाइज ये देखिए किचन में चिकन बन रहा है, किचन में फ्राई चिकन बन रहा है। तो ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, ऑब्वियसली मैं इतने टेंटे नहीं करती। और ये चिकन फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर दिया गया है। ये मसाला रेडी हो गया है, और अब देखते हैं कि क्या करते जाएंगे फ्राई करने के बाद। ये देखिए बटर चिकन की शक्ल, एक्चुअल में बटर चिकन लग रहा है। और ये घर पे बनाया मेरे हस्बैंड ने अपने बर्थडे पे कढ़ाई के अंदर फ्राई करके। आप ये देखिए क्या तैरता हुआ बटर है ना। कितनी क्रीम डाली है इसमें, 250 ग्राम क्रीम डाली है इसके अंदर। बाप रे बाप, फुल ऑन बाजारी चिकन ना, काम खोल ही लेते हैं अपना तो खाने पीने का ही। बढ़िया गाइस ये देखिए, ये हम केक लाए हैं मेरे हस्बैंड के लिए। इसमें नाम लिखने की जगह नहीं थी, और मेरे हस्बैंड कहते हैं पापा शापा क्या लिखवाना है, रहने दो बस हैप्पी बर्थडे का टैग लगवा दो। तो इसमें जैम्स और चॉकलेट्स और ओरियो बिस्किट्स हैं, और ये ना कटेगा नहीं, आई थिंक खुलेगा है ना। सुनो ये जो डोरी है खींच के खुलेगी ना, खुलेगा भी कटेगा भी, कटेगा भी और खुलेगा भी। चलो ये देखते हैं, कुछ अलग सा लाए हैं, ये मेरी चॉइस थी। हाय दोनों बाप बेटे बैठ गए, मेरे को कैमरा मैन बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खोलो इसको, खोलो, खुलने पे तो कटेगा ये। ओ देखो 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 देखो, खोला, हाँ अब कटेगा क्योंकि इसकी स्टिक्स आ गई ना सारी, देखना स्टिक्स कैसे हटेंगी। अरे ये नई चीज आई है, स्टिक्स ही पकड़ के खिलाते हैं। रुको मैं खिलाऊंगी पहले तुम्हें, पहले मैं। अरे बदतमीज, हैप्पी बर्थडे, खिलाओ माते, हैप्पी बर्थडे। ब्रूनो कह रहे मुझे भी खिला दो छोटा वाला, ये मैं खा लेती हूँ। देखिए अब मेरे प्यारे ब्रूनी की बारी है केक खाने की। आले मेरा बब्बू, आई नी मेरा गुच्चू, गुच्चू चॉकलेट नहीं पता होता तब भी विश करता है। कितना शौकीन है केक का, देख चटोरा ऊपर मुनी होते 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 जाओ, अब भी उसका पूरा ध्यान केक के ऊपर है। जाओ ऊपर जाओ, ना जी ना अपनी जगह से नहीं हिलनी मैंने। वो देखो सब कुछ करेगा, हेलो शेक हैंड पॉम पॉम सब करेगा। अभी अब और मत देना, इसने बहुत खाया हुआ पहले भी। Oh, 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 oh